नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं डेढ़ोग। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है भाई दूज, तो उसका भी ढेर सारा शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। एक्चुअली 2 दिन थोड़ा छुट्टी में था बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम बैक ऑन ट्रैक। और आज जैसे आपको पता है दिवाली है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो उसकी वजह से आज बात करते यही लाइट के बारे में, विच इज़ दिस। ये है आपका मी की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट लाइट, विच इज़ अ मी मोशन सेंसर एक्टिवेटेड लाइट 2। एक्चुअली ये नाइट लैम्प है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी अलग अलग जगह पर अंधेरे में, और ये मोशन ट्रैकिंग के हिसाब से काम करता है, तो आपको कोई भी मैनुअली इसको ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते यही वाला प्रोडक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये वाला प्रोडक्ट इंडिया में क्राउड फंडिंग के दौरान गया था, जहां पर आपको 500 रुपये देके इसको खरीदना पड़ा था। मैंने भी वहां से ऑर्डर दिया था और अभी आके मुझे मिला है आज सुबह को। उसके बाद से मैंने इसको थोड़ा बहुत रिसर्च किया कैसे ये चलता है सभी कुछ। चाइना में एक्चुअली इस टाइप के प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस है। इंडिया में आई थिंक ऐसा कुछ पहला टाइप का प्रोडक्ट है जो ओपनली अभी सेल हो रहा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे नॉन ब्रांड भी है जो इस टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा निकल के आता है और आपको बताते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बॉक्स का पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर मी मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट 2, यहाँ पर लिखा है 360 डिग्री रोटेड है, 2 ब्राइटनेस लेवल्स है, मैग्नेटिक माउंट है, तो सभी चीज़ें। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको प्राइस मिलता है। चलिए बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या सामान मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है यूज़र मैनुअल, जहाँ से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली इसको सेटअप कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको मिलता है एक माउंट, जैसे देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक माउंट है, और यहाँ पर इसको अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लू मिलता है, तो कहीं पर भी आप इसको चिपका सकते हैं। और फाइनली मिलता है द लाइट इटसेल्फ। लाइट कुछ इस प्रकार का आपका देखने में है, और अगर माउंट से कनेक्ट किया जाए कुछ इस प्रकार का होगा। माउंट ऐसे जनरली आपका कनेक्ट हो जाता है, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, और ये काफ़ी टाइट है, ये ऐसे गिरता नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक माउंट है ये काफ़ी सॉलिड भी है। चलिए मैं जल्दी से आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का जैसे आप देखने में है, तो इसको ऐसे आप खोल सकते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कंपार्टमेंट जहाँ पर आप लगा सकते हैं 3 AAA साइज़ बैटरीज। तो चलिए मेरे पास 3 AAA साइज़ बैटरी है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। सो यहाँ पर 3 AAA साइज़ बैटरी लगा के ऐसे आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल है, ये कम है और ये ज़्यादा है, ये कम है ज़्यादा है, तो कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा। ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से। उसके बाद इसको आप ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपका एक स्टिकर है जिसको आपको उठाना पड़ेगा इस मोशन को एक्टिवेट करने के लिए, तो इसको मैं ऐसे उठा देता हूँ। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार का आपका देखने में लगता है। सो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मोशन सेंसर कैसे काम करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कम्प्लीटली डार्कनेस चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा भी रोशनी होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होता, मैंने जितना देखा है। तो जितना अंधेरा होगा उतना ही आराम से ये काम करेगा। जब भी आप इसके सामने से चल के जाएंगे या फिर हाथ फैलाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है ये आपका ऑन हो जाता है। सो गाइज, जैसे आपने देखा ये था आपका वो मोशन सेंसर लाइट। अगर देखा जाए इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, तो ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी का मटेरियल आपको मिल रहा है। दूसरा अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको 3 AAA साइज़ बैटरी लगता है, तो उसके लिए आपको अलग कॉस्टिंग मतलब खर्चा करना पड़ेगा। मेरे पास तो एक्चुअली रिचार्जेबल बैटरी है, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जब चार्ज खत्म हो जाएगा तब आपको इस्तेमाल मतलब फिर से नया बैटरी लाना पड़ेगा। रिचार्जेबल बैटरी सबके पास होता नहीं है, तो वो भी एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल यूजफुल है। एक्चुअली मेरे जैसे घर में, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में, आई डोंट थिंक ये उतना ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा घर है, घर में बच्चे हैं, आई थिंक ये वाला चीज़ काफ़ी आई थिंक हेल्पफुल होने वाला है। छोटे घर में मुझे नहीं लगता इसका उतना ज़्यादा ज़रूरत है, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट टू हैव, और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। डेफिनेटली आई विल यूज़ इट इन डिफरेंट प्लेसेस, देखता हूँ ये कितना डेली लाइफ में यूजफुल मतलब कारीगर सिद्ध होता है। तो गाइज, ये था आपका मी मोशन लाइट सेंसर 2। आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, उसके साथ साथ फॉलोइंग ट्विटर, फेसबुक एंड शील ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लाइड रेडो 15। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडो। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।